हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सौरभ एंड यू वाचिंग सौरभ्स ब्लॉग्स। एंड गाइस, मेरे सामने आज है द ब्रांड न्यू 2021 टीवीएस अपाची आरटीआर 164B एचपी डुअल डिस्क आरएम एडिशन। काफी बड़ा नाम है, तो ये एकदम ब्रांड न्यू बाइक है। एंड 2021 में टीवीएस ने इसमें दो बार चेंजेस कर दिया है। 2021 के जो मिडिल तक जो ये बाइक निकाले थे टीवीएस ने, तब इसका पावर इंक्रीज हुआ था। अभी जो है इसका काफ़ी सारा फीचर्स ऐड हुआ है, काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है। जो काम का चेंजेस है, कुछ दिखने का या बोलने का चेंजेस नहीं है, काम का चेंजेस है। सेफ्टी फीचर्स के मामले में बाइक और भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। एंड स्पेशल थैंक्स टू कोलकाता यूनिवर्सल टीवीएस। आप अगर वेस्ट बंगाल से हो, आप अगर कोलकाता हावड़ा हुगली से हो, आपको अगर टीवीएस का कोई भी बाइक लेना है, आप यूनिवर्सल टीवीएस में कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर RR310 जो नया बिल्ड टू ऑर्डर वर्सन जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाइक का की से। सो दिस इज़ द RTR 164B का की। यहाँ पर आपको टीवीएस का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, पीछे टीवीएस का लोगो है। एंड यहाँ पर वेब की देखने को मिलता है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द वेब की। चाबी को एक बार लगा देते हैं। तो फ्रंट की अगर बात करें, तो फ्रंट में यहाँ पर पूरा नया हेडलाइट सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, पूरा ऑल LED। पहले तो LED आपको हाई बीम एंड लो बीम मिलता था, लेकिन पहले का जो DRL था, ये साइड में DRL था, आप पुराना वाला, इसके पहले वाला अगर वीडियो देखें तो आपको मालूम चलेगा। अभी जो है यहाँ पर ब्राइट LED DRL यहाँ पर TVS ने दे दिया है। एंड DRL के ऊपर यहाँ पर आपको TVS का लोगो भी देखने को मिलता है, जो एक बार सामने से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं TVS का लोगो भी यहाँ पर दिया गया है। एंड लाइट का थ्रो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसको एक बार पहले ऑन। अच्छा, यहाँ पर और एक स्विच दिया गया है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है अभी DRL का स्विच पे है, ये देख सकते हैं DRL का। एंड ये जो है बाइक का जो है लो बीम ऑन हो चुका है। सो दिस इज़ द लो बीम एंड हाई बीम, ये भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, हाई बीम जो है मेरे को पहले बाइक स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी इसका हाई बीम आप देख सकते हैं, तो दिस इज़ द हाई बीम। एंड लाइट का जो थ्रो है काफ़ी अच्छा है, इसको एक बार DRL में ऑन कर देता हूँ। एंड पहले से फ्रंट का लुक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले जो DRL था वो दिन में एक्चुअली दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो DRL ही कुछ ऐसा था, ऊपर का जो ग्लास था या फिर प्लास्टिक बोल सकते हो, वो वाइट में था। लेकिन ये जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी DRL इसको माना जा सकता है। एंड यहाँ पर आपको बल्ब इंडिकेटर मिलता है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल की तरफ दिखता है, लेकिन ये बल्ब इंडिकेटर फिक्स है, फ्लेक्सिबल नहीं है। नंबर प्लेट लगाने का जो जगह है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा। एंड TVS ने तो हर बाइक में इंडियन फ्लैग का स्टिकर देखने को मिलता है, TVS का हर बाइक में। एंड ये हर इंडियन ब्रांड का बाइक में दिखने भी चाहिए। एंड मडगार्ड जो है, मडगार्ड के यहाँ पर आपको TVS रेसिंग का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है। इस बाइक का आपको टोटल 3 कलर मिलता है, जो पहले जो कलर आता था वही सेम कलर मिलता है, रेड ब्लू एंड ब्लैक, ऑल आर ग्लॉसी कलर। थोड़ा नीचे आते हैं, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। एंड यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर भी दिया गया है। एंड यहाँ पर दिया गया है सुपर मोटो ABS, मतलब इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। तो फ्रंट ब्रेक की अगर बात करें, तो इसमें आपको 270mm का पेतल डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS के साथ, पीछे में आपको कोई भी ABS नहीं देखने को मिलता है। एंड इस बाइक का टोटल 2 वेरिएंट आता है एक्चुअली, ये जो है डबल डिस्क वेरिएंट एंड और एक जो है सिंगल डिस्क वेरिएंट भी आता है। एंड फ्रंट टायर की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको TVS टायर दिया गया है। एंड ये टायर का सेक्शन जो है 90x90 सेक्शन, 17 inches का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। एंड रिम के ऊपर आपको TVS रेसिंग का आपको स्टिकर भी देखने को मिलता है। थोड़ा ऊपर आते हैं, ऊपर जो है टैंक कैपेसिटी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, 12 liter टैंक कैपेसिटी मिलता है। एंड यहाँ पर आपको रेसिंग फ्लैग का आपको स्टिकर वर्क किया गया है। 3D में आपको RTR 160 का आपको बैजिंग मिलता है, TVS का बैजिंग भी आपको 3D में मिलता है। एंड साइड में जो है फ्लेंडर की तरफ यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलता है। एंड यहाँ पर भी आपको रेसिंग फ्लैग का स्टिकरिंग देखने को मिलता है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, तो इट्स 159.7 cc सिंगल सिलेंडर 4 valve ऑयल कूल V6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड 4-stroke इंजन। एंड इसका अगर पावर फिगर की बात करें, तो 17.63 PS का आपको मैक्स पावर मिलता है एंड 14.73 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है इस इंजन से। एंड यहाँ पर आपको इंजन काउल भी देखने को मिलता है, हाइपर एच, यहाँ इस साइड आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। इस साइड में जो है आपको RTFI का आपको स्टिकर वर्क किया गया है, रेस ट्यून FI। एंड यहाँ पर आपको बोश का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है। एंड ये जो है 5-speed गियर बॉक्स के साथ आता है। अच्छा, स्पेशल अभी सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें, तो अभी इसमें
आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया गया है जो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड ये RM का फुल फॉर्म जो है राइडिंग मोड, इस बाइक में अभी आपको राइडिंग मोड मिल रहा है जो यहाँ पर मोड स्विच दिया गया है जो आपको अपाची RTR 204B में जो राइडिंग मोड मिलता था इसमें भी आपको राइडिंग मोड मिल रहा है, तो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो साइड का जो पैनल वगैरह है ऑल आर सेम अपाची का, यहाँ पर आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। सीट जो है सीट भी काफ़ी कुशनी है, पहले जो सीट आता था मतलब 2021 में जो सीट दिया गया था वही सीट, यहाँ पर आपको कोई भी स्प्लिट सीट नहीं देखने को मिलता है, सिंगल सीट है लेकिन स्प्लिट सीट जैसा यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलता है यहाँ पर आपको। एंड काफ़ी इसका जो कुशन है, मैं इसका टेस्ट राइड भी किया था, इसका कुशन है, राइडिंग का जो कम्फर्ट है काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर थोड़ा कार्बन फाइबर क्यूब्स जैसा आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। पीछे का काउल की यहाँ पर आपको RTR 164B का स्टिकर देखने को मिलता है। एंड ये जो ग्रैब ग्रिल है काइंड ऑफ मेरे को बैटमैन का जो लोगो है वो जैसा मेरे को देख के लग रहा है ये ग्रैब ग्रिल। एंड पीछे में आपको रेसिंग शोवा सस्पेंशन मिलता है विच इज एडजस्टेबल सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है एक्चुअली। एंड इस बाइक में आपको ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है। इसका साउंड जो है साउंड भी मैं आगे आप लोगों को सुनाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा थ्रोडी है, काफ़ी ज़्यादा बेसी साउंड है। एंड पीछे का जो डिस है इट इज़ 200mm पेतल डिस, ये जो है सिंगल चैनल ABS के साथ आता है, पीछे में आपको कोई भी ABS देखने को नहीं मिलता है। एंड ये जो है ड्यूल डिस वेरिएंट, एंड और एक जो है सिंगल डिस वेरिएंट में पीछे में आपको 130mm का ड्रम बैग मिलता है। एंड ये जो है बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीछे का जो टायर है इट इज़ अनदर TVS यूरोग्रिप स्पोर्ट SR का टायर है एंड इसका सेक्शन है 130/70/17। एंड ये जो है ट्यूबलेस टायर, एंड जिसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है पीछे में उसमें आपको 110 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। एंड पीछे का टायर अगर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं RTR का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है। पीछे का जो टेल लाइट है दिस इज LED टेल लाइट, एंड ये जो है बल्ब इंडिकेटर नंबर प्लेट लगा, नंबर प्लेट का जो लाइट है ये भी आपको बल्ब में मिलता है एंड ये जो है नंबर प्लेट लगेगा। एंड यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर दिया गया है। पीछे का जो सीट का मतलब सीट के नीचे जो स्पेस है ये मैं एक बार आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इस पीछे का सीट खोलने के लिए यहाँ पर आपको चाबी लगाना पड़ेगा। एंड ये देख सकते हैं पीछे का जो सीट का नीचे जो स्पेस है, आप कुछ बाइक का कागज़ वगैरह यहाँ पर आराम से रख सकते हैं, इतना स्पेस तो यहाँ पर दिया गया है। एंड फर्स्ट एड किट वगैरह भी, बाइक के मैनुअल वगैरह भी यहाँ पर है, तो इसको एक बार पहले हम लगा देते हैं। इस साइड में आते हैं, इस साइड में आपको साड़ी गार्ड मिलता है एंड लेडीज़ फुट रेस्ट भी यहाँ पर आपको दिया गया है। एंड दिस इज़ ओपन साइड चेन सेटअप, तो हर 500-600 किलोमीटर के बाद आपको चेन वास एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा। एंड इसमें आपको मिडिल स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों स्टैंड ही मिलता है। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मैसिव 180mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी है, तो इसको लेकर आराम से लॉन्ग टूर या फिर वीकेंड टूर भी आप आराम से कर सकते हैं। और वैसे भी इसका का माइलेज की बात करें तो 40-45 km/h का आपको माइलेज मिल सकता है इस बाइक से। एंड ये बाइक जिस फ्रेम के ऊपर बैठा गया है दिस इज डबल क्रेडल स्प्लिट सिंक्रो स्टिप फ्रेम। इस बाइक का जो सीट हाइट है इट इज़ 800mm इस बाइक का सीट हाइट, तो आपका हाइट अगर 5'5" भी है तो इस बाइक को आप चला सकते हैं। इस बाइक का जो वेट है डुअल डिस्क वेरिएंट का जो वेट है 147 kg एंड सिंगल डिस्क वेरिएंट का जो वेट है 145 kg सिंगल डिस्क वेरिएंट का वेट। एंड लेग गार्ड भी इसमें आपको प्री इंस्टॉल मिलता है कंपनी फिटेड। एंड ये जो है ऑयल कूलिंग सिस्टम। ऊपर आते हैं हैंडल बार जो है, हैंडल बार वाइड है, सिंगल हैंडल बार है जो पहले भी आता था, तो हैंडल बार की यहाँ पर इंजन किल स्विच मिलता है। एक्स्ट्रा जो है इसमें आपको मोड बटन दिया गया है, मोड बटन मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो है DRL ऑन ऑफ, DRL एंड हेडलाइट ऑन ऑफ करने का यहाँ पर स्विच दिया गया है अलग से। ये जो है सेल्फ बटन, हाई बीम लो बीम, इसमें आपको इंडिकेटर का स्विच दिया गया है। अब बाइक का हॉर्न सुन लेते हैं। हॉर्न जो है काफ़ी लाउड है जितना तो लग रहा है, यहाँ पर ड्यूल हॉर्न दिया गया है लेकिन कंफर्म नहीं है, नहीं यहाँ पर तो मैं देख पा रहा हूँ सिंगल हॉर्न ही है। ओके एंड ये जो है डीपर बटन दिया गया है। एंड क्लच जो है, क्लच भी काफ़ी लाइट है, यहाँ पर आपको मेटल का क्लच लीवर, मेटल का ब्रेक लीवर देखने को मिलता है। एंड मिरर जो है, मिरर भी आपको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है इस मिरर से। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल पहले से चेंज हो चुका है क्योंकि इसमें अभी आपको राइडिंग मोड मिल रहा है, तो आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखा देते हैं। ये जो ऊपर में है टैकोमीटर यहाँ पर शो कर रहा है आपका कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पर स्पीड शो करेगा। इसमें आपको ओडो मिलता है, इसी में आपको दो स्विच दिया गया है, एम एंड सिलेक्ट बटन। तो एम से बेसिकली ओडो के बाद आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड आपका कितना बाइक हाई स्पीड गया है ये शो कर रहा है। एंड आपका 0-60 कितना सेकंड में गया है ये भी शो करता है। उसके बाद जो है दोबारा ओडो यहाँ पर शो कर रहा है। एंड अभी ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पर तीन मोड आ चुका है, रेन मोड, उसके बाद मैं अगर ये मोड को अगर दबाऊँगा रेन, अर्बन एंड
एकदम टॉप में जो है स्पोर्ट मोड। तो स्पोर्ट मोड में बेसिकली आपको एकदम मैक्स पावर मिलेगा, जो 17.63 पीएस का मैक्स पावर मिलेगा। एंड अर्बन एंड रेन मोड जो है उसमें आपको थोड़ा पावर कट मिलेगा। कंपनी तो अभी तक रिवील नहीं किया है कि कितना रेन मोड में अर्बन मोड में कितना पावर मिलेगा, लेकिन तब भी अप्रोक्स आप पकड़ के चलिए 12-15 पीएस का आपको मैक्स पावर मिल सकता है रेन एंड अर्बन मोड में। एंड ये जो है हाई आरपीएम सिप लिमिट, इंजन माल फंक्शन, एबीएस का सिग्नल, हाई बीम, एंड इसमें आपको इंडिकेटर का सिग्नल भी दिया गया है। ये लेफ्ट साइड इंडिकेटर, राइट साइड इंडिकेटर उधर दिया गया है। न्यूट्रल का सिग्नल, बाइक अगर रिजर्व में रहेगा तो रिजर्व लाइट यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर आपको टीवीएस का ब्रांडिंग 3D में आपको देखने को मिलता है। एंड की तो मैं आप लोग को दिखा दिया, की जो है आपकी यहाँ पर आपको वेब की देखने को मिलता है। एंड ये जो मोड बटन है, बेसिकली यही मोड बटन दबाने से आपका यहाँ पर जो है मोड चेंज होगा। ये देखिए मैं मोड दबा रहा हूँ, वहाँ पर अर्बन आ गया, स्पोर्ट आ गया, उसके बाद दोबारा रेन आ गया। एंड बाइक चलाते टाइम भी आप इसको मोड चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको थ्रॉटल को छोड़ के मोड चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज़ जो है, पहले यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर नहीं शो कर रहा था, अभी जो है इसमें आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी शो करता है। एंड यहाँ पर जो है सर्विस इंडिकेटर एंड बैटरी, अगर लो बैटरी रहेगा तो वो भी यहाँ पर शो करेगा। तो अभी एक बार बाइक का साउंड आप लोग को सुना देता हूँ। एक चीज़ बता पाऊँगा, बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है ड्यू टू रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। क्योंकि थ्रॉटल जब दे रहा हूँ, मतलब इस बाइक का लो टू मिड रेंज ना काफ़ी अच्छा है। मैं इसका जब टेस्ट राइड किया था तब भी मैं आप लोगों को बोला था कि इसका लो टू मिड रेंज जो है काफ़ी अच्छा है। मतलब आपका ये बाइक जो है आराम से 80-90 किलोमीटर पर आवर में क्रूज़ कर सकता है बिना दिक्कत के। एंड ये जो ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट है, इसका भी साउंड काफ़ी ज़्यादा थ्रोटी है, काफ़ी ज़्यादा बेसी है। आई होप आप लोग को पूरा साउंड जो है एकदम आपको प्रॉपर सुनाई दिया है। एंड अभी आते हैं इस बाइक का कितना प्राइस है। प्राइस पहले से लगभग 2000 रुपीज़ प्राइस इसका इंक्रीज हुआ है। अभी इसमें जो सिंगल डिस्क वेरियंट RM एडिशन जो है, सिंगल डिस्क वेरियंट का प्राइस अप्रॉक्स इसका एक शोरूम मैं बता रहा हूँ 1,15,650 रुपीज़ अप्रोक्स इसका एक शोरूम प्राइस है। एंड ये जो ड्यूल डिस्क वेरिएंट है, दिस इज ड्यूल डिस्क वेरिएंट, ड्यूल डिस्क वेरिएंट का जो एक शोरूम प्राइस है अप्रोक्स 1,17,500 रुपीज़ अप्रोक्स आप पकड़ के चलिए। बाकी एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस अगर आपको जानना है तो आप अगर वेस्ट बंगाल से हो, आप अगर हावड़ा हुगली कोलकाता से हो, तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल TVS में कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसका एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानने के लिए। आपको अगर ये बाइक देखना है या फिर परचेस करना है या फिर टेस्ट राइड लेना है, तो आप जरूर से ज़रूर आप यूनिवर्सल TVS में कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा कांटेक्ट डिटेल्स दिया रहेगा। यूनिवर्सल TVS का टोटल 3 ब्रांच है, तो तीनों ब्रांच का एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, साइड स्टैंड कटऑफ मैं आपको दिखाना भूल गया, मैं एक बार साइड स्टैंड कटऑफ भी एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बाइक में स्टार्ट किया, अभी इसका साइड स्टैंड अगर गिरा रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर शो करेगा कि साइड स्टैंड गिरा है। ये आप देख सकते हैं साइड स्टैंड इंडिकेटर शो कर रहा है। ओके, अभी इसको अगर मैं गियर पे डालता हूँ, ये देखिए गियर पे डालने के बाद मैं क्लच नहीं छोड़ा, क्लच में अभी तक दबा के रखा हूँ, लेकिन साइड स्टैंड इंडिकेटर शो कर रहा है एंड बाइक जो है ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। तो दिस इज़ द साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स में दिया गया है। तो बाकी गाइस मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ। आप अगर मेरे को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे को डायरेक्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में। आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह अगर रहेगा बाइक रिलेटेड मैसेज कर सकते हो। एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे एंड हैप्पी दुर्गा पूजा गाइस। तब तक के लिए टाटा गाइस, टाटा।